घाटा वाली माता जी का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है वो आप सामने की तरफ देख सकते, जो नया मंदिर माता जी का जो बना है वो, और सामने की तरफ भी जैसे कि आप देखेंगे तो त्रिशूल लगी हुई है वो, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो माता जी के दर्शन आपको आराम से यहाँ पे बाहर की तरफ करने को मिल जाएंगे। तो ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे जो त्रिशूल लगी है वो, और नीचे की तरफ भी त्रिशूल लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो नई त्रिशूल लगाई है माता जी के दरबार में। तो दोस्तों आप माता जी के दर्शन कर लीजिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, मैं आज जा रहा हूँ घाटा वाली माता जी के दरबार में। तो दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा कि माता जी का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, नया मंदिर जो बना है माता जी का, वहाँ पे जा रहे हैं हम। तो दोस्तों माता जी का जो मंदिर बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत बना है, तो हम दर्शन कराऊंगा मैं आपको माता रानी के। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की तरफ बोर्ड लगा हुआ है घाटा वाली माता जी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे बाहर की तरफ आपको प्रसाद आपको देखने मिल जाएगा। माता रानी के लिए आप प्रसाद लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते, देख सकते हैं आप यहाँ पे पास में ही दुकानें लगी हुई है जो प्रसाद लेने की, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। तो अभी हम चलेंगे इधर से होकर, आप देख सकते हैं रास्ता भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी आए तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। तो बाकी आप देख सकते हैं सामने की तरफ माता जी का जो दरबार है वो आ चुका है, तो अभी मैं आप चलेंगे इधर। तो मैं गाड़ी पार्क कर दी मैंने यहाँ पे, और सामने की तरफ जो माता जी का भव्य त्रिशूल है वो आप देख सकते हैं। और बाकी मैं इधर आया हूँ तो नारे ले लेता हूँ मैं यहाँ से। बाकी आप भी प्रसाद लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको आसपास में ही दुकानें देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे प्रसाद ले चुका हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी चल रहे हैं हम इधर आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग मतलब कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रसाद की दुकानें हैं वो आपको नारियल और आपको अलग अलग प्रकार के प्रसाद आपको देखने के लिए मिलेंगे माता जी के। आप प्रसाद लेना चाहें तो आप आसपास में दुकानें हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी आप देखेंगे तो मैं यहाँ से ओके अभी अंदर की तरफ जाऊँगा, तो अभी मैं यहाँ पे जूते उतार लेता हूँ, उधर आगे की तरफ जा चलता हूँ। बाकी मैंने गाड़ी उधर साइड में पार्क कर दी है, तो मैं यहाँ पे जूते उतार दिए और मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ। तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे भैया ने मेरे को बोला कि प्रसाद यहाँ पे यहीं पे देना है, तो आपको यहीं से प्रसाद आपको लेना है वहाँ से और यहाँ पे जमा दे देना है। तो आप जब भी दर्शन करके आओ तो आप प्रसाद वापस यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने भैया को दिया। तो हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। बाकी आप देखेंगे तो काफ़ी भव्य मंदिर बना है माता जी का, और काफ़ी खूबसूरत मंदिर जैसे कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं, और मैं आपको माता जी के दर्शन भी करूँगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ में आप एंड तक बने रहिए। बाकी आप देखेंगे तो सामने की तरफ काफ़ी भव्य मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, और इधर यहाँ पर माता जी के जो त्रिशूल है वो भी मैं आपके दर्शन करवाऊँगा सामने की तरफ, और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ वीडियो के साथ में आपको साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए। बाकी हम आराम पूर्वक आगे की तरफ चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश का समय था और बारिश भी मतलब दोस्तों आने वाली है मेरे को लगता है, क्योंकि मौसम काफ़ी बारिश वाला हो रहा है। लेकिन मैं आपको दर्शन करवाऊंगा दोस्तों, और फिर उसके बाद में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। और वैसे भी अभी क्या है कि धूप नहीं है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी हरियाली है और काफ़ी हवाएँ अभी चल रही हैं। बाकी आप देखेंगे सामने की तरफ तो त्रिशूल लगी हुई है माता जी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। माता जी के दरबार में काफ़ी सुकून मिलता है दरबार में जाने के बाद में। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, तो हम जा रहे हैं माता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ। तो भीड़ भी है, सावन का महीना है अभी, और माता जी के दरबार में हमेशा भीड़ रहती है। तो अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ, तो मैं आपको दर्शन करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पे माता जी के। तो आपकी हर एक इच्छा माता रानी पूरी करे, जय माता दी। तो दोस्तों आपकी कुछ भी इच्छा है तो माता रानी को आप बोलिए, माता रानी आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगी। बाकी दोस्तों आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एक डिज़ाइन के साथ में मंदिर बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और काफ़ी भी देखेंगे आप तो जो मंदिर है जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर बन गया है। और आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊं तो आप बैठने की जगह भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी छाव हो गई है, मतलब छाया आप बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा मतलब कि आप देख सकते हैं मंदिर हो चुका है ऐसा लग रहा है, मतलब काफ़ी भव्य मंदिर है। और आपको बैठने की जगह भी काफ़ी अच्छे से दिख जाएगी, अगर बारिश वगैरह आए तो भी आपको धूप वगैरह तो भी आपको काफ़ी अच्छी एक जगह है मतलब कि, तो आराम से मतलब आप पहले में और अभी में मंदिर में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क है, काफ़ी भव्य मंदिर बन चुका है मतलब, तो आप देख सकते हैं वो। बाकी हम आप दर्शन कर लीजिए इस तरफ, मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ दोस्तों। जय माता दी, माता रानी आपकी हर एक इच्छा पूरी करें। तो आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए माता जी की, जो भव्य त्रिशूल लगी हुई है यहाँ पे, और आपकी हर इच्छा माता रानी पूरी करें। तो अभी चलते हैं हम सामने की तरफ, मैं आपको मंदिर का जो थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको और भी दिखाऊंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं उधर काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और काफ़ी मतलब बड़ी धर्मशाला भी बोल सकते हैं हम, जो मतलब यहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब बन चुका है पांडाल या कुछ भी बोल सकते हैं हम वैसे। तो अभी चल रहे हैं हम बाहर की तरफ, और हम अभी चलेंगे ऊपर की तरफ जो त्रिशूल लगी हुई माता जी की वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो अभी हम यहाँ से प्रसाद ले लेते, जैसे कि मैंने बताया कि प्रसाद आपको यहाँ से लेना है। तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं उधर, तो अभी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं कई मतलब काफ़ी, तो अभी पूरी तरह से सीढ़ियाँ नहीं बनी है लेकिन ठीक है जो भी है काफ़ी अच्छा है। तो अभी आप देख सकते हैं आधे तक तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, बाकी ऊपर तक सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे। तो अभी चलती है हम आराम पूर्वक ऊपर की तरफ, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग भी हमारे साथ में आ रहे हैं और काफ़ी आराम से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते जो छोटे छोटे घर बनाए गए हैं जैसे कि ईंटों से आप देख सकते हैं, तो हमारा माता रानी से यही उम्मीद रहती है कि हमारा भी एक छोटा घर बनाए इसे, तो जो भी लोग आते हैं वो एक छोटा अपना घर बना के जाते हैं, ताकि माता रानी हमारा भी एक छोटा सा ऐसा महल बनाए
माता रानी का जैसा एक छोटा सा महल बना है। तो अभी ऊपर की तरफ आ चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं हाईवे का नज़ारा, और अभी त्रिशूल के आप दर्शन कर लीजिए, माता रानी के जो भव्य त्रिशूल लगी हुई है वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और हवाएं चल रही है, आप देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो आप कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि मैंने आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की है जानकारी। और आपका कुछ भी सवाल या जवाब है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं आप जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ, धन्यवाद दोस्तों, जय माता रानी, आपकी हर एक इच्छा पूरी करें। और धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, अभी चलते हैं हम घर की तरफ, धन्यवाद दोस्तों।